हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ राधा अष्टमी की पूजा। पूरे दिन का व्लॉग ये है, आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे लड्डू गोपाल हैं मेरे पास, आपको पता है, लेकिन राधा रानी नहीं है। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल का ही राधा रानी श्रृंगार करके आज उनकी पूजा करूँगी। और ऐसा माना जाता है कि जिसके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो वो अपनी राधा रूप में भी उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा कर सकते हैं, अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से मतलब तैयार किया है इनको। और यहाँ सबसे पहले सुबह बेटी चली गई है स्कूल। ये टाइम है 6:15 बजे, 6:10 का टाइम है ये। यहाँ बेटी जा रही है स्कूल, पापा उसके छोड़ने जा रहे हैं। और यहाँ मैंने पीछे से लगा लिया उसके कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी धोने थे, क्योंकि अगला दिन था थर्सडे का, और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। मोस्टली लोग नहीं धोते हैं, मैं भी नहीं धोती हूँ। तो यहाँ जो है मैं कपड़े धोने के लगा दिए, काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मैं 5 मिनट बैठी हूँ मछलियों को खाना देने के लिए, या मछलियों का जो फूड है ना हम देते हैं, और यहाँ हमने घर में रख रखे। तो यहाँ मैं बैठ के पीऊँगी एक गिलास गर्म पानी, और यहाँ थोड़ा सा सोचूंगी थोड़ा सा, क्योंकि काम बड़ा लंबा होता है ये, और फटाफट करना होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन होता है ना, वो तो रात को करना होता है। इसी टाइम पे हमें सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म करना है, घर का भी करना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी करनी है, और अपनी पूजा पाठ भी करनी है। तो आज का दिन है मेरा फास्ट। देखिए टाइम हो चुके हैं 6:30, और यहाँ मैं झाड़ू मार चुकी हूँ, और मैं मारूँगी पोछा। पोछा मारने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद मैं बनाऊंगी राधा रानी का भोग। और ये जो है मैंने दूध रख दिया, सबसे पहले लड्डू गोपाल और गणपति जी को, दोनों को पिलाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने गणपति बप्पा भी बुला रखे हैं घर पर ही। और यहाँ पे मैं इन दोनों को दूध देने के बाद यहाँ मैं खीर चढ़ा दूँगी, क्योंकि खीर का काम होता है लंबा। तो यहाँ मैं खीर रख दूँगी बनने के लिए। और यहाँ ट्विस्ट हो गया, आपको मैं आगे बताऊँगी। ये मैंने ले लिया 1/2 किलो अरबी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये भी राधा रानी का ना स्पेशल भोग होता है, ये ज़रूर बनता है। और बरसाना में मतलब अब मानोगे नहीं, अरबी की बहुत तरीके की डिशेस मिलती हैं। तो यहाँ मैंने खीर के अंदर डाल दिया है केसर और इलायची पाउडर, और ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए छोड़ दूँगी। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी भीगे हुए चावल। पानी हमने निकाल दिया है, और चावलों को धोके मैंने इसमें डाल दिया है। जहाँ जब तक मेरी खीर और अरबी मेरी उबलने रख दी है मैंने, और इसके बाद मैं मंदिर के जो फूल थे पहले के वो मैंने हटा के सभी को यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ लड्डू गोपाल मेरे दोनों मतलब गणपति भगवान दूध पी चुके हैं, और फिर मैं इनके स्नान कराऊँगी और ये बर्तन मतलब धो के आऊँगी। तो यहाँ स्नान कराने के बाद मैंने दोनों को यहाँ बिठा दिया और पूजा कर ली अपनी सुबह की। सुबह की पूजा मैंने, मेरा नित नियम है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे भोग प्रसाद मैंने सब इनको सुबह का लगा दिया। यहाँ मैंने फ्रूट्स, पंचमेवा, दूध और लड्डू का भोग लगा दिया है। और ये भोग लगाने के बाद मैं इनकी जो है खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दोपहर का ही होता है राधा अष्टमी का जो पूजा होती है, जो भोग होते हैं वो दोपहर के बनते हैं। तो यहाँ मैंने इनका भोग लगाने के बाद मैं तैयारी करूँगी अपने दोपहर के खाने की। और यहाँ पे देखिए हमारे गणपति भगवान भी बैठे हुए हैं, इनका भोग भी मैंने लगा दिया है यहाँ की, इनकी भी मैंने पूजा कर ली है। और ये सारे सभी परिवार इस साथ मिलकर ही पूजा करते हैं सभी इनकी। तो यहाँ पे मैंने अरबी को छील लिया है और काट लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और पनीर को मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, अरबी की बनाऊँगी। और यहाँ जो है मैं मसाले रेडी कर रही हूँ मटर पनीर के लिए। और यहाँ जो है खीर बन रही है, खीर की मैंने दोबारा बनाई, क्योंकि खीर का जो दूध है ना वो मेरा फट चुका था, दोबारा से मैंने खीर रखी बनने के लिए, उसको मैंने निकाल के रख दिया, उसका कुछ और बनाऊँगी। तो यहाँ जो है मैंने सबसे पहले डाली है पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। इसमें मैंने डाला है अजवाइन, हींग और जीरा और धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी 2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच जितनी दही, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में जो हमने अरबी रखी थी इसको मिक्स करके मैं दूसरी गैस पर रख दूँगी, ताकि अरबी सेम गैस पर आराम से पकती रहे। ये जो लिक्विड सी है ना, ये भी थोड़ा सॉफ्ट सूख जाएगा मतलब। इसमें कसूरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ जो है हमारा टमाटर हरी मिर्च का जो है ये भी मतलब मसाला है, भुन चुका है। इसमें बेसिक से मैंने मसाला डाले हैं, कसूरी मेथी डाली है, और इसको भी मैं भून लूँगी अच्छे से। और यहाँ जो है मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी मटर पनीर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा पानी लगा लूँगी, ताकि जो सूखी है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और पानी बिल्कुल सूख जाएगा। तो सूखी सूखी दोनों सब्जी हैं। तो यहाँ देखिए अरबी हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को। और यहाँ पे राधा अष्टमी के लिए मैं बैकडोर बनाती हूँ।
देखिए यहाँ इस तरह से मैंने ये जो आसन लगाया है राधा रानी को बिठाने के लिए, उनके स्नान का टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैंने अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल को बिठा लिया है और यहाँ पे मैंने पंचामृत ले आई हूँ मैं लोटे में, और ये साफ जल है, इससे मैं इनका स्नान करवाऊँगी। राधा रानी को तो ओट में नहलाया जाता है और मतलब पर्दा कर कर, और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर ये राधा रानी होते तो मैं इनको ज़रूर ओट करके नहलाती, लेकिन मैं श्रृंगार इनका राधा रानी का ही करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से इनका पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, साफ जल से स्नान करा रही हूँ, और फिर मैं इनको साफ कपड़े से इनको मैं साफ कर लूँगी और इनको मैं तैयार कर लूँगी, इनका श्रृंगार कर लूँगी। तो ये सारा श्रृंगार मैं इनका पहना लूँगी। अब यहाँ पे ये राधा रानी रूप ले रहे हैं तो यहाँ पे राधा रानी के सारे श्रृंगार मैं करूँगी, 16 श्रृंगार जो जो होते हैं। और यहाँ पे मैं इनको ड्रेस पहनाने के बाद माला वाला पहना दी मैंने और कंगन पहना दिए, इनके पैरों में ये पहनाऊँगी मैं। देखो ये भी कंगन नहीं है लेकिन मुझे पैरों में पायल पहनाने का शौक था। तो ये है टिक्का, ये मांग टीका है, ये भी मैं लगा दूँगी और अपनी राधा रानी के मैं बाल लगाऊँगी। और ये चंद्रिका बोलते हैं इसको, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी मैं लगाऊँगी, इनके बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनका श्रृंगार किया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना ये राधा रानी नहीं है, बिल्कुल रूप वही ले लेते हैं। बाकी ब्यारी में भी ऐसे ही इनका श्रृंगार किया जाता है, आज के दिन राधा रानी का ही श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ जो है मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया है राधा रानी को, और यहाँ पे अपने चावल और फूलों को हाथ में लेके मैं कथा सुन लूँगी अपने व्रत की, क्योंकि आज है मेरा व्रत। व्रत की कथा सुनने के बाद मैं जो चावल के दाने और फूल थे ना, ये मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल के पास ही डाल दूंगी और अपने हाथ जोड़ लूंगी। व्रत में पूजा में कोई हुई कमी पेशी के लिए, कोई भी भूल चुक होगी उसके लिए क्षमा मतलब मैं मांग लूंगी और कर लूंगी आरती अपने बाकी ब्यारी की और राधा रानी की और गणपति भगवान की। सबसे पहले गणपति भगवान की हम करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई और पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आरती करने के बाद मैंने यहाँ पर इनके जो भोग लगाया था उसकी भी तैयारी मैंने यहाँ पे मतलब कर ली थी पहले, और जाके मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। लेकिन सच में बताऊँ, मैंने इनको श्रृंगार चढ़ाया, सारा श्रृंगार लगाया जो भी मैंने यहाँ पे लगाया था। और यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके पास बैठे, लग रहा था कि बिल्कुल राधा रानी श्रृंगार मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ बैठने के बाद मैं आ गई हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि ये पूड़ियों का काम मेरा रह गया था। और साथ साथ ही मैं मतलब इस टाइम पे 1:30 बज रहा होगा तभी, क्योंकि रोटी का टाइम भी हो चुका है। और यहाँ मैं कपड़े चेंज सबसे पहले कर लेती हूँ, मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ भोग लगाया बेटे से मतलब गणपति जी को और राधा रानी को, तो सभी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने भी ये प्रसाद पाया और मैं ये अपना प्रसाद जो है इनका पंचामृत से और इनका भोग से ही मैं अपना व्रत खोलती हूँ। और ये 12 बजे तक ही व्रत होता है, जब इनका भोग लग जाता है उसके बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ तो शाम का टाइम मैंने अपनी राधा रानी को झूले में बिठाया, अपने लड्डू गोपाल को बिठाया, क्योंकि छोटा बच्चा हुआ है तो झूला ज़रूर झुलाना चाहिए हमारे को। तो यहाँ झूला झुलाने के बाद यहाँ पे मैं बैठी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जो श्रृंगार है ये मैंने राधा रानी को चढ़ाया था ना, ये मैंने आपको दिखाता ही, देखिए मजे से दोनों झूला झूल रहे हैं, राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे मैंने जो श्रृंगार चढ़ाया था इनको, ये मैंने डाल ली हैं चूड़ियाँ, नीले रंग की चूड़ियाँ लाई थी मैं, क्योंकि हमारी राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद है। और ये बिंदी का पत्ता मेहंदी ये भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद मैं यहीं पर बैठी हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है अपनी राधाअष्टमी का त्यौहार। तो आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, बाय बाय।